अब बात ये आती है कि कॉपी स्क्रीन वाला फोन हमने परचेस किया है तो इसमें फेस आईडी का ऑप्शन मिलता है या नहीं, काफी सारे सब्सक्राइबर के मन में ये भी सवाल आ रहे होंगे। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आईफोन 10 की, जो हमने कैसीफाई सुपर सेल से सेकेंड हैंड 256 का वेरिएंट 16,000 से भी कम रुपए में परचेस किया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरु का गैजेट में, और मैं हूं आपका भाई प्रिंस। काफी ज्यादा डिमांड होती है आप सभी को आईफोन को लेकर के, तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आईफोन 10 की। आप सभी का अगर कोई सवाल या सुझाव है तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैसीफाई का ये बॉक्स है, बिल्कुल नॉर्मल सा। अंदर काफी सेफ्टी के साथ पैक करके फोन को दिया गया है। ये है फोन, निकालते बाहर। एक अंदर बिल दिया गया है और हमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो चलिए जल्दी से बिल देखते हैं। प्राइस देख सकते हो, 15,809 रुपये का ये फोन है। सेकेंड हैंड आईफोन एक्स 3/256 B- ग्रेड सिल्वर कलर का दिया गया है, ये सबसे अच्छी बात है। और बाहर निकालते हैं हम इस फोन को। कंडीशन देख सकते हो कुछ इस प्रकार का दिया गया है। फोन का फिजिकल कंडीशन आप सभी को दिखाने की कोशिश करता हूँ। बैक पैनल देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं कोई डेंट या फिर स्क्रैच आपको देखने को नहीं मिलेगा। कॉर्नर पर आपको नीचे की ओर माइनर सा कहीं हेयरलाइन स्क्रैच देखने को मिल सकता है। हालांकि ये सेकेंड हैंड फ़ोन है कैसीफाई सुपर सेल का, तो आपको थोड़े बहुत यूजेस सिंबल कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। एप्पल का लोगो भी आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर है, और कैमरा का लेंस भी बिल्कुल परफेक्ट दिया गया है। फ्रेम भी आप देख सकते हो, नो डाउट ओवरऑल बिल्कुल क्लीन है। बॉटम में भी आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन है, और स्क्रू भी दोनों बिल्कुल टाइट हैं, और कहीं भी कोई डेंट या फिर डैमेज आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा चारों ओर में से किसी भी एक साइड पर। फ्रंट की ओर चेक कर लेते हैं। फ्रंट भी आप देख सकते हो ओवरऑल बिल्कुल परफेक्ट और नीट एंड क्लीन दिया गया है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको माइनर से स्क्रैच बॉडी वगैरह पर देखने को मिल जाएंगे, बट आप अगर बी ग्रेड में कोई फ़ोन लेते हो तो उसमें स्क्रीन में आपको कहीं भी कोई डैमेज या फिर स्क्रैच देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। कैसीफाई का स्टिकर अभी मैं रिमूव नहीं कर सकता। बैक पैनल में आपको यहाँ पर बारकोड भी दिख रहा होगा। 48 घंटे की रिटर्न पॉलिसी मिलती है। अगर फ़ोन में कहीं भी आपको डैमेज देखने को मिलता है या फिर आपको कहीं भी कोई इशू या डिफेक्ट नज़र आता है तो आप उसे रिटर्न कर सकते हो कैसीफाई सुपर सेल में। 48 घंटे के अंदर ही आपको कंप्लेन करनी होगी। इस फ़ोन में 5.8 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर रेटिना डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, और OLED डिस्प्ले आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है। डिस्प्ले की क्वालिटी आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, कॉपी स्क्रीन के साथ हमने इस फ़ोन को परचेज़ किया है। कॉपी स्क्रीन वाला अगर आप फ़ोन लेते हो तो वो आपको कैसीफाई सुपर सेल में मेंशन किया जाता है और कम प्राइस देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं इस फ़ोन की डिस्प्ले को चेक करता हूँ। फोन में ट्रू टोन वगैरह का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। ओनली दो ऑप्शन दिया गया है, डार्क मोड और नाइट शिफ्ट का। तीसरा ऑप्शन ट्रू टोन का मिल जाता है अगर डिस्प्ले ओरिजिनल हो तो, लेकिन यहाँ पर ट्रू टोन का सपोर्ट नहीं दिया गया है। और ब्राइटनेस लेवल वगैरह आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। यूज़ करने में बिल्कुल परफेक्ट है डिस्प्ले में, कहीं ऐसा नहीं है कि ब्राइटनेस आपको शो नहीं होगा या तो आप धूप में यूज़ करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टच का भी कहीं कोई इशू नहीं आने वाला है। यहाँ देख सकते हो मैं कहीं भी टच वगैरह कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट। टच भी काम करता है, रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन डिस्प्ले ओरिजिनल नहीं है, बस एक ही प्रॉब्लम है। अब बात यह आती है कि कॉपी स्क्रीन वाला फ़ोन हमने परचेस किया है तो इसमें फेस आईडी का ऑप्शन मिलता है या नहीं, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर के मन में ये भी सवाल आ रहे होंगे। तो चलिए हम ये भी चेक कर लेते हैं। तो फेस आईडी एंड पासकोड का ऑप्शन दिया गया है, अब मैं फेस आईडी यूज़ करके चेक करता हूँ वर्किंग है भी या नहीं। देख सकते हो गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ चुका है, और यहाँ देख सकते हो फेस आईडी का ऑप्शन आ चुका है। और जल्दी से मैं फेस आईडी ऐड करता हूँ, ऐड करने के बाद देखते हैं। फेस आईडी सेटअप कंप्लीट हमने कर लिया है। तो आप सभी को आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में जरूर मिल चुका होगा, हालांकि मैं यहाँ पर आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। देख सकते हो फेस आईडी से हमने इस फोन को अनलॉक कर लिया है। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ एक बार, तो देख सकते हो ऑलरेडी ये अनलॉक हो चुका है, हमने कोई भी पासकोड एंटर नहीं किया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फेस आईडी में। और इसमें आपको
फेस आईडी वर्किंग मिला है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि क्यूसी रिपोर्ट में ये चीज़ मेंशन किया गया था फेस आईडी वर्किंग होगा, और हमने ये भी देखा है कि फेस आईडी बिल्कुल वर्किंग है इस फोन में। अब बात कर लेते हैं कैमरा की, तो बैक में आपको डुअल कैमरे का सेटअप मिलता है, 12 मेगापिक्सल मेन कैमरा और 12 मेगापिक्सल आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है। दोनों में ही आपको OIS का सपोर्ट मिलता है, यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट आपको मिल जाता है। यहाँ देख सकते हो फिंगर का दाग जल्दी ही लग जाता है। सिल्वर कलर का ये फ़ोन दिया गया तो काफ़ी परफेक्ट है। कैमरा मैंने ओपन कर लिया है, देख सकते हो कैमरा भी बिल्कुल परफेक्ट वर्किंग है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कैमरा वगैरह में। फ्रंट कैमरा भी देख सकते हो बिल्कुल सही से काम कर रहा है, क्वालिटी बिल्कुल अच्छी है। मैं एक बार पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ तो क्वालिटी आप देख सकते हो बिल्कुल सही है। तो बैक कैमरे से भी आप देख सकते हो काफ़ी क्लियर पिक्चर आई है, क्वालिटी वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इस फ़ोन का बैटरी चेक कर लेते हैं, बैटरी की हेल्थ क्या दी गई है। यहाँ आपको बैटरी का ऑप्शन मिल जाता है, कैपेसिटी देख सकते हो मैक्सिमम कैपेसिटी 100% शो हो रहा है। तो 100% है, इसका मतलब ये है कि बैटरी जो है इस फ़ोन का रिप्लेस किया गया है। और कोई भी पुराना फ़ोन यार, ये 4 से 5 साल हो चुके हैं तो इसमें आपको ऑलरेडी बैटरी रिप्लेस ही देखने को मिलेगा। फ़ोन यूज़ करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं 1 डे से ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ तो बैटरी वगैरह ठीक ठाक चल रहा है। साथ ही साथ इसमें कोई मेरे को लैग वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है, कैमरा वगैरह बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। अबाउट फ़ोन भी आप चेक कर सकते हो, 16.3 का OIS वर्जन दिया गया है iPhone 10, और यहाँ मैंने एयरटेल का सिम लगाया हुआ है, 256 का कैपेसिटी दिया गया है। तो स्टोरेज भी आप जरूर चेक कर ले अगर कोई भी रिफर्बिश्ड या सेकेंड हैंड फ़ोन लेते हैं तो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप 256 का वेरिएंट मंगाते हो और मिल जाता है आपको 64 का, या फिर आप 64 का मंगाते हो और आपको मिल जाता है 256 का। मेरे साथ ऐसा हो चुका है पहले भी। IMEI नंबर वगैरह भी आप ज़रूर चेक कर लिया करें, साथ ही साथ आप 123 या फिर कोई भी चीज़ टच वगैरह बिल्कुल बारीकी से चेक किया करें। और देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल वर्किंग है। हालांकि मैं 198 पर कॉल करके एक बार चेक कर लेता हूँ सेंसर वगैरह काम कर रहा है या नहीं। साथ ही साथ आप देख सकते हो एक दबाएं, पोस्टपेड संबंधित जानकारी के लिए, काफी लाउड स्पीकर है, वॉल्यूम की भी बिल्कुल वर्किंग है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर साइलेंट की चेक कर लेता हूँ, साइलेंट की भी वर्क कर रहा है, हैप्टिक फीडबैक भी बिल्कुल परफेक्ट है। सेंसर देख सकते हो काम कर रहा है बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि इस फोन में अभी तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आया है। तो आप सभी ने देखा कि ये B- ग्रेड का फोन हमने लिया हुआ था विथ कॉपी स्क्रीन। कॉपी स्क्रीन में आपको थोड़े बहुत डिफरेंसेस नजर आएंगे ओरिजिनल स्क्रीन के मुकाबले, थोड़ा सा आपको डल यानी कि थोड़ा सा इसका रंग जो है वो फीका नजर आने वाला है। डिस्प्ले की कलर कॉन्ट्रास्ट जो है वो थोड़ी आपको कम देखने को मिलेगी, थोड़ी डल देखने को मिलेगी, और कैमरे पर भी इसका असर पड़ता है, वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही ढेर सारी अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।